हाँ जी, तो कल हमने मेवाड़ वाली हिस्ट्री खत्म की थी, आज हम एक नई हिस्ट्री पढ़ेंगे, मारवाड़ की हिस्ट्री पढ़ेंगे। पर फिर भी पहले थोड़ा सा मेवाड़ वाला जो कल पढ़ाया था उसका रिवीजन करवा दूँ आपको। तो कल हमने मेवाड़ वालों में पहले राजा पढ़ा था जय सिंह। जय सिंह के बारे में सीधी सीधी दो बातें, औरंगजेब से संधि की और जजिया के बदले में उसको पूर मांडल और बदनौर के इलाके दिए और जयसमंद झील बनवाई 1687 से 1691 तक, और ढेबर झील भी कहते हैं, और बाबा के मगरी और पायरी नाम के उसके अंदर टापू बने हुए हैं। नर्मदेश्वर पास में एक शिव जी का मंदिर है और उसकी एक परमार रानी थी कोमला देवी, जिसके महल है, जिनको रूठी रानी के महल भी कहा जाता है। फिर उसके बाद जयसिंह के बाद हमने पढ़ा था अमर सिंह सेकंड के टाइम एक दरबारी समझौता पढ़ा था, मेवाड़ का अमर सिंह सेकंड, मारवाड़ का अजीत सिंह और आमेर का सवाई जयसिंह, किसके खिलाफ? तो मुगल बादशाह बहादुर शाह प्रथम के खिलाफ। शर्तें, तो सवाई जयसिंह और अजीत सिंह उनके राज्य दिलाने में हेल्प की जाएगी, और जो अमर सिंह सेकंड की डॉटर है चंद्र कंवर, उसकी शादी जो है वो सवाई जयसिंह के साथ करेंगे, पर कंडीशन है कि जो चंद्र कंवर का बेटा होगा वो आमेर का नेक्स्ट किंग होगा। फिर उसके बाद में हमने पढ़ी थी अमर सिंह सेकंड के बाद में आगे संग्राम सिंह सेकंड, मराठे पहली बार इसी के टाइम में चौथ लेके गए थे, और इसने अपने लड़के के लिए सहेलियों की बाड़ी बनवाई, अपनी मम्मी के लिए वैद्यनाथ का शिव जी का मंदिर बनवाया, जिसकी सिसारमा गांव में उदयपुर के पास, जिसकी प्रशस्ति रूप भट्ट ने लिखी, उसमें एक बांदनवाड़ा युद्ध का वर्णन है, बांदनवाड़ा अजमेर में, जिसमें मुगल सेनापति रणबाज खान को मार दिया गया था। फिर हमने पढ़ा था जगत सिंह सेकंड के टाइम में हुरुड़ा सम्मेलन हुआ 17 जुलाई 1734, और मैंने बताया था ये मराठों के खिलाफ सम्मेलन था, राजस्थान के राजपूत राजाओं का सम्मेलन था, अध्यक्ष मेवाड़ में हुआ तो मेवाड़ वाले अध्यक्ष थे इसमें, उरड़ा भीलवाड़ा में पड़ता है जगत सिंह सेकंड। आमेर का सवाई जय सिंह था, जोधपुर के अभय सिंह थे, नागौर के बख्त सिंह थे, बीकानेर के जोरावर सिंह थे, बूंदी का दलेल सिंह था, कोटा का दुर्जन साल था, करौली के गोपाल पाल थे, किशनगढ़ का राज सिंह था। बैठ के बातचीत की, सभी एक दूसरे की सहायता करेंगे, और जैसे ही आफ्टर रेनी सीजन बरसात खत्म होगी रामपुरा में मराठों के खिलाफ युद्ध करेंगे, लेकिन युद्ध के लिए ये लोग नहीं गए थे, इसलिए हम कहते हैं कि मराठा सम्मेलन क्या हो गया था, फेल हो गया था। और फिर उसी राजा ने पिछोला के पास में जगत निवास नाम के महल बनवाए थे, जिनको नेक राम ने अपनी पुस्तक जगत विलास में लिखा। फिर भीम सिंह के बारे में पढ़ा था कि उसने अपने लड़की की शादी सगाई मारवाड़ के भीम सिंह के साथ की थी, वो मर गया तो जयपुर के जगत सिंह के साथ की गई थी। इस पर मारवाड़ के भीम सिंह के छोटे भाई मान सिंह ने ऑब्जेक्शन किया, तो मारवाड़ वाले मान सिंह और जयपुर वाले जगत सिंह सेकंड के बीच में गिंगोली गया, पर्वतसर का युद्ध हुआ, और कालांतर में अजीत सिंह चुंडावत और अमीर खान पिंडारी के कहने पर और आपकी कृष्णा कुमारी को जहर देकर मार दिया गया था। कालांतर में मेवाड़ वाले भीम सिंह को भी 13 जनवरी 1818 को अंग्रेजों के साथ संधि करनी पड़ गई। अंग्रेजों की तरफ से आया था चार्ल्स मेटकॉफ, इनकी तरफ से गया था ठाकुर अजीत सिंह, फिर पॉलिटिकल एजेंट बनाया गया था जेम्स टोड। ये मेवाड़ की हिस्ट्री खत्म होती है। गोहिल डायनेस्टी पढ़ रहे थे, मेवाड़ की हिस्ट्री पढ़ रहे थे, अब आगे बढ़ते हैं, अपने आगे मारवाड़ की हिस्ट्री पढ़ते हैं। पहले तो एक बात की, जिसको मारवाड़ कहते हैं उस मारवाड़ में आता क्या था, पहले तो ये चीज देखी जाए। देखो कौन कौन से एरिया, जैसे मैंने मेवाड़ पढ़ा है तभी आपको एरिया बताया था, इसमें कौन कौन से एरिया आते थे, ये देख लो, सिंपल सिंपल सा आपके सामने पड़ा है। मुख्य मुख्य रूप से ये वाला इलाका अपने नागौर, जोधपुर, बाड़मेर, जालौर और जो पाली वाला इलाका था, बड़े बड़े तौर पे, थोड़ी बहुत घटत बढ़त होती रहती थी, पर बड़े बड़े तौर पे जिसको मारवाड़ स्टेट कहते थे, मारवाड़ रियासत कहते थे, उसमें ये आया करता था। जैसलमेर अलग से भाटियों की रियासत हुआ करती थी, सिरोही अलग से देवड़ा चौहानों की रियासत हुआ करती थी, बाकी वाला जो इलाका था ये मारवाड़ के अंदर आया करता था। आपने अब जैसे वहां गोहिल डायनेस्टी थी, यहां पे कौन सी डायनेस्टी थी, तो यहां पे राठौड़ डायनेस्टी थी। बीच में कई बार मैंने बताया भी होगा, फिर भी और याद रखने वाली बात कि यहां पर कौन सी डायनेस्टी का शासन था, तो यहां पर राठौड़ डायनेस्टी का शासन था। सिंपल सी दो बातें याद रखनी है, वैसे तो खूब सारी माथापच्ची है, कि राठौड़ों के बारे में कहा जाता है, कुछ इतिहासकार इनके बारे में कहते हैं कि ये कन्नौज के गहडवाल थे, कि कन्नौज के गहडवाल थे, वहां से इनका कोई एक वंशज यहां आ गया था। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, ये दक्षिण भारत के राष्ट्रकूट थे, कर्नाटका और महाराष्ट्र में जो इनका शासन था राष्ट्रकूटों का, वो ही थे। पर ये इतिहासकारों की माथापच्ची है, अपने यहाँ पर ऐसा कोई सवाल पूछते नहीं, इसलिए क्यों फालतू में किए जाए। नोट्स के अंदर और आपको लिखे हुए मिल जाएंगे किस किसने क्या क्या कहा किसके बारे में, पर अपने याद रखने वाली बात इतनी, क्वेश्चन यही पूछा जाएगा
इतिहासकारी अभी अभी तक इस पर एकमत नहीं हो पाएगी, एक वास्तविक स्थिति क्या थी। अपने याद रखने वाली बात, कभी कोई प्रेमी आपसे पूछ ले कि कन्नौज के गहड़वालों से किसकी ओरिजिन माना जाता है, तो मारवाड़ के राठौड़ों का, या पूछ ले कि साउथ इंडिया के राष्ट्रकूटों से किसका ओरिजिन माना जाता है, तो मारवाड़ के राठौड़ों का ओरिजिन माना जाता है। फिर भी और कोई समझ में नहीं आए तो आप मेरे से वापस पूछ लेना, अभी याद रखने वाली सी इतनी सी बात। फिर कई इतिहासकार तो इवन यहाँ तक कहते हैं कि एक ही है यार, जिनको आप साउथ इंडिया में राष्ट्रकूट कहते हो, उन्हीं को आके कन्नौज के अंदर क्या बोलने लग गए थे, गहड़वाल बोलने लग गए थे, और उन्हीं को आपको आके आपने मारवाड़ के अंदर क्या बोलना शुरू कर दिया था, राठौड़ करना शुरू कर दिया था। पर थोड़ी सी अलग अलग सी बात है, याद रखने वाली सी, याद कर लेना कि भाई कहाँ कहाँ से इनकी उत्पत्ति मानी जाती है, तो या तो कन्नौज से मानी जाती है या दक्षिण भारत से। कुछ कहते हैं कन्नौज में राष्ट्रकूट थे, सॉरी दक्षिण भारत में राष्ट्रकूट थे, कन्नौज में जब ये आए तो इन्हीं का नाम गहड़वाल पड़ गया, और जब मारवाड़ में आए तो राष्ट्रकूट से अपभ्रंश होते होते इनका नाम क्या पड़ गया, राठौड़ पड़ गया। सिंपल सा, इतना सा याद रखना आपने, तो ज्यादा माथापच्ची में नहीं पढ़ना, वो हिस्ट्री की बातें होती है, रिसर्च की बातें होती है, अपने ऐसे सवाल नहीं पूछे जाते। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं, देखो आगे क्या चीज है। ये आपके कौन कौन से रियासत में आते थे, थोड़ा देख ही लेना आप, वापस वही हाईलाइट हो रहा है इसमें। अब अगला राजा का नाम आया, देखो एक राव सिहा। राव सिहा के लिए कहा जाता है कि ये जो थे ये राजस्थान में राठौड़ों के मूल पुरुष है, आदि पुरुष है, फाउंडर यदि कोई था राठौड़ों का राजस्थान में तो वो राव सिहा थे। कहानी है, किंवदंती है अपनी, एक फोक लोर है कि अपने पालीवाला जो इलाका था इसमें पालीवाल ब्राह्मण रहा करते थे, पालीवाल ब्राह्मणों का शासन सॉरी यहां पर रहा करते थे, और व्यापार का काम करते थे, व्यापारी हुआ करते थे। व्यापार करने के लिए आगे बंगाल की तरफ, गुजरात की तरफ, सब जगह लोग व्यापार करने के लिए जाया करते थे। यहाँ पे कोई राजा वगैरह था नहीं, तो ऐसा कहा जाता है कि जब ये लोग व्यापार करने के लिए जाते तो इनके साथ में लूटपाट हो जाया करती थी, बीच में कोई लुटेरे लूट लिया करते थे। इनके मन में ऐसा था कि यार अपने कभी राजा हो तो, राजा का काम क्या होता है, राजा का काम रक्षा करना, तो यार अपने राजा हो तो वो अपनी रक्षा करें, अपने उसको टैक्स दे दें, ऐसी भावना इनके मन में भी थी। ऐसी कहानी है कि उस समय कन्नौज में एक राजा हुआ करते थे, सेतराम जी, क्यों दंती है अल्लाह जाने कितनी सच्ची कितनी झूठी, पर बात है सुनना आप, इस बहाने चीजें याद रहेगी थोड़ी, कि सेतराम जी कन्नौज के राजा हुआ करते थे, और सेतराम जी के बारे में कहा जाता है कि सेतराम जी के 100 बेटे थे, सिया सेतराम जी का बेटा था, 100 बेटे हुए थे, और वाकई आपने दो ही बोलते, 49 सा सीओ बड़ो सीए बड़ा 50, कि 49 से सिया बड़ा था, सीए से बड़े 50 और थे, मतलब सीए से बड़े 50 थे, तो मतलब सिया कौन से नंबर पे आ गया, 51वें नंबर पे, तो सिया ही आ गया। और ऐसी कहानी है कि जब सिया पैदा हुआ था, तो अब तो क्या होता है बच्चे पैदा होते, बच्चा पैदा होता है हाथों हाथ अपने टाइम देखते हैं कि भाई 6:15 पे हाथों हाथ टाइम नोट कर लेते हैं, पंडित जी को दिखाते हैं, पंडित जी लो बनाओ भाई जन्म पत्री बनाओ, बच्चे की कुंडली बनाओ कैसा रहेगा आगे, और पंडित जी जन्म पत्री बता देते हैं कि राजी हो गए इस बच्चे के। तो पहले अब ऐसे था नहीं टाइम एग्जैक्टली कैसे क्या पता लगाया जाए, तो पहले कहते हैं कि भाई सूरज की रोशनी चांद की रोशनी जहां पर हुआ करती थी, जहां पर छाया बनती थी, वहां पर यूं लाइनें वगैरह खींच लिया करते थे, और वो लाइनें वगैरह पंडित जी को दिखाते थे, और पंडित जी उसके आधार पर बताते भाई सूर्य की रोशनी यहाँ पे थी तो इसका मतलब टाइम ये चल रहा होगा, और उसके अनुसार ग्रह नक्षत्र क्या होंगे वो बताया करते थे। कहते हैं जब सिया पैदा हुआ तो जो दाई, दाई तो समझ गए, नर्स तो डिलीवरी करवाने वाली महिला होती है वो जो थी, और बच्चा पैदा हुआ उसको कहा हुआ था तू लाइन खींच देना, वो बेचारी लाइन खींचना भूल गई, वो 10 मिनट बाद में आ गया लाइन तो खींची नहीं, और वो भाग के गई उसने लाइन खींची, जिसने कहा राजा क्या पता कब खींची कब नहीं खींची। राजा आया पंडित जी को लेके आया, पूछा कि साहब लाइन देख के बताओ, और कहते हैं भाई पल पल में भाग्य तो बदल जाते हैं, और पंडित जी ने लाइन देखकर पंडित जी ने कहा भाई बहुत गलत बात हो गई है, तो क्या हुआ, इस बच्चे का मुंह यदि बाप ने देख लिया तो बाप मर जाएगा। राजा ने कहा तो अपने मुंह देखना कौन सा जरूरी है, फेंक दो इसको, मार दो इस बच्चे को, जल्लाद बुलाए, जल्लादों का जंगल में ले जाओ मार दो इस बच्चे, जल्लाद उस बच्चे को जंगल में लेके गए, और कहते हैं कि वहां पर उन जल्लादों को लगा कि यार कितनी जल्लाद है अपने, लेकिन यूं आज एक दिन के बच्चे को तो कैसे मारा जाए, और कहते हैं उन्होंने उस बच्चे को मारा नहीं, और एक कोई शेर की गुफा थी उसके अंदर फेंक के आगे, वाह जंगली जानवर अपने आप ही खा जाएगा, अपने पे तो पाप नहीं लिया जैसी दसी। कहानी का रोमांच ये कि गुफा के अंदर केव जो थी उसमें शेरनी थी, और शेरनी ने उसी दिन अपने बच्चों को जन्म दिया था, सोई हुई थी, वो बच्चा भी लुढ़कता लुढ़कता उसके पास जा गिर गया, शेरनी जब जागी तो उसको लगा कि ये भी मेरा ही बच्चा होगा, और शेरनी ने उसको पालना शुरू कर दिया। डार्विन वाला अनुकूलन का सिद्धांत है, व्यक्ति जैसे माहौल में रहता है वैसा वैसा हो जाता है,
और कहते हैं कि वो अब उन जानवरों के साथ रहने लगा, शेरों के साथ रहने लगा। अब वो हाथों को भी पैरों की तरह इस्तेमाल करता था, ऐसे चार हाथों से चला करता था, एकदम वो हाथ आगे निकाल के चलता था। कई दिन बीत गए, वो वैसे ही अब पशुओं के साथ रहे, पशुओं को मार के खाए, वैसे ही दहाड़े चिंगाड़े। कहते अपने वाले पालीवाल ब्राह्मण एक बार व्यापार करने के लिए कहीं जा रहे थे, वो उस कन्नौज के पास जंगलों से निकले और उन्होंने एक चीज देखी कि पांच शेर आपस में लड़ रहे हैं और उन पांचों में एक शेर आदमी, और वो बाकायदा हाथों को पैरों की तरह इस्तेमाल करता हुआ वैसे चल रहा है, और वो बाकी चारों शेरों को भगा रहा है, बाकी चारों शेरों को मार रहा है वहां पे, वो जीत रहा है उसके अंदर, पर वो दहाड़ रहा है चिंगाड़ रहा है उनकी तरह बर्ताव कर रहा है। उनको लगा यार ये क्या है। वो बेचारे वहां से भागे, आगे जाके थे सेतराम जी, राजा थे, इन सेतराम जी को जाके उन्होंने कहा कि आपके जंगलों में हमने कोतक देखा है भयंकर बड़ा, क्या हुआ क्या बात है। अरे एक आदमी है ऐसे ऐसे शेरों के साथ। सेतराम जी ने कहा यार सुबह सुबह मैं ही मिला तुमको बनाने के लिए, ऐसे कैसे हो सकता है आदमी शेरों के साथ रहे। उनका साहब हम देख के आए आपको, उसकी सुगंध लगी हमें। कहते हैं जल्लाद वहीं सामने बैठे हुए थे और जल्लाद खड़ा हुआ और उसने कहा साहब यदि गलती माफ करो तो मैं एक बात बताऊं। सेतराम जी ने कहा कि सात खून माफ है, तू तो बात बता साहब। वो जो आपके 51 नंबर पे हुआ था ना, 51वां बच्चा जो हुआ था, और हम उसको फेंक के आ गए थे, और हमने मारा नहीं था, शेर की गुफा में फेंक के आ गए थे, हो ना हो ये बच्चा वही है। कहते सेना भेजी, सेना भेज के उस बच्चे को बुलाया गया, पकड़ के लाया गया, वो तो शेरों की तरह रहे, पर वापस वही डार्विन का अनुकूलन का सिद्धांत। अब जब मिनक दिखाए तो थोड़ा मिनकों जैसा हुआ। तो यार आदमी ऐसे होता है, कपड़े वपड़े पहने क्या जिंदाबाद तरीके से घूमता रहता है, तो बोलना बोलना सिखाया, उसके बाल वाल काटे, कोई खुरपे से दांत वांत सही किए, उसको मिनखों के बीच में बिठाया। वो ब्राह्मण तो आगे चले गए व्यापार करने के लिए। थोड़े दिनों बाद ब्राह्मण लौट के और उन्होंने कहा कि साहब हम वो एक आदमी बता गए थे, अब क्या हुआ उसका। और राजा ने कहा थैंक यू यार, मेरे बेटे से मिलवा दिया मेरे को, ये बेटा का आजकल वैसे नहीं रहता है। नहीं नहीं आजकल एकदम सही है, अभी तक भी कई बार तो कच्चा मांस खा जाता है, पर फिर भी आजकल इसको रोस्टेड खाना सिखाई दिया, आजकल थोड़ा ढंग से मिनखों की तरह रहने लग गया है। राजा ने कहा यार मेरे लायक कोई सेवा हो तो बताओ तुम। उनका साहब हमारे वहां पे उस एरिया में कोई राजा नहीं है, यदि आप अपना कोई बंदा भेज दो तो हमारे वहां पे सेवा करे, हमारे वहां पे रहे तो थोड़ा ठीक रहे। राजा ने कहा ठीक है, तो मेरे तो खूब सारे बेटे, किसी को ले जाओ। पाली वाले उनका किसी को नहीं साहब, ये वाला जो हमें तो कहते हैं राव सिहा, वहां से राव तो उपाधि हुआ, टाइटल हुआ करता था, वो शेरों के साथ सिंहों के साथ रहा था इसलिए उसका नाम सिहा पड़ा। सिया वहां से आया पालीवाल ब्राह्मणों के साथ और बताया वो बताओ कौन कौन से इलाके हैं भाई तुम्हारे, क्या क्या करना है। इस एरिया के अंदर आता है पालीवाल ब्राह्मणों को मुक्ति दिलवाता है, जो लुटेरे थे उनसे मुक्ति दिलवाता है, यहाँ पर अपना शासन स्थापित करता है। तो राठौड़ों में सबसे पहला आदमी को शासन स्थापित करने के लिए आया था तो वो कौन थे, राव सिहा सबसे पहले आए थे यहाँ पे, जो मारवाड़ के राठौड़ उनका। हालांकि अपने को यहाँ पे मैंने दिन पहले ही बताया था आपको, 997 का एक धवल नाम के राजा का अस्थि कुंडी का अभिलेख मिलता है और उसमें राठौड़ों का वर्णन है, पर वो कौन थे, कब आए, कहाँ चले गए, उनकी ज्यादा जानकारियां नहीं है। बाद की जो पीढ़ियां मिलती है मारवाड़ के राठौड़ों की, उनकी यदि वंशावली कहीं से शुरू होती है तो वो कहाँ से शुरू होती है, सिहा के साथ में शुरू होती है। तो सिहा राजस्थान में राठौड़ों का प्रथम पुरुष था, उनका फाउंडर था, उनका आदि पुरुष था, उनका सबसे फर्स्ट एंसेस्टर वही हुआ था यहाँ पे आने वाला, कि उसी के नाम से आगे वंशावली पूरी की पूरी शुरू की जाती है। अब फिर कहते हैं कि भाई सिया आ गया तो राजा होगा, तो राजा की कोई ना कोई राजधानी होगी, तो उसकी राजधानी थी खेड़, अपने बाड़मेर में एक जगह पड़ती है खेड़ को उसने अपनी राजधानी बनाया था। और यहीं पर एक बार वो आक्रमणकारियों के खिलाफ लड़ता भाई शहीद हुआ था, लड़ते लड़ते शहीद हुआ था। पाली में एक गांव पड़ता है बिठू, उस बिठू गांव के अंदर उसकी छतरी बनी हुई है, सिया की छतरी। दो तीन बातें याद रखने वाली है कि राजस्थान में राठौड़ों का मूल पुरुष कौन था, तो राव सिहा था, कन्नौज से आया था, उसने राजधानी अपनी खेड़ बनाई, किसके लिए आया था, तो पालीवाल ब्राह्मणों के लिए आया था, और उसकी छतरी कहां पर बनी हुई है, तो बिठू के अंदर उसकी क्या बनी हुई है, छतरी बनी हुई है। तो बस दो तीन, खेड़ बाड़मेर में पड़ता है, बिठू पाली में। अब ये कहानी जो मैंने सुनाई ये लगातार चलती रहती है, कई सालों से हम सुन रहे हैं इस कहानी को। कहते हैं भाई राव सिया वहां से 27 घुड़सवारों के साथ आया था, 27 मतलब 20 सात बार 140 घुड़सवारों को लेकर वहां से आया था और यहाँ पे आगे शासन स्थापित किया था। फिर आने वाली पीढ़ियों ने अब राव सिया के बारे में और बढ़ा चढ़ा के बातें बताई, किसी ने पेंटिंग बना दी उसकी जिसके अंदर शेरों के साथ में लड़ रहा है वो। अंग्रेजों के टाइम में एक हिस्टोरियन था अंग्रेजों का, रुडियार्ड किपलिंग, और रुडियार्ड किपलिंग अपने जोधपुर के अंदर कई दिन तक रह के गया था मेहरानगढ़ के किले में। हो ना उसने फोटो देखी, उसने पूछा होगा कि भाई ये किसकी, अपने वालों ने कहानी सुनाई यार इनको नहीं जानते, ये तो सिंहों के साथ रहे थे, हमारे सिया जी है, हमारे सबसे पुराने दादाजी यही है, इनके बाद में हमारी तो वंशावली राजस्थान वालों की शुरू होती है।
और उसको ये कंसेप्ट बड़ा पसंद आया रुडयार्ड किपलिंग को, यार ऐसा भी मतलब आदमी जानवरों के साथ रहे जानवरों जैसा हो जाए। उसकी पूरी बुक है द जंगल बुक, जिसका करेक्टर मोगली आप सबने सुना होगा, जंगल जंगल बात चली है चड्डी का पहन के फूल खिला, वो जो मोगली वाला करेक्टर है रुडयार्ड किपलिंग को कहीं ना कहीं उसकी जो प्रेरणा है वो यहाँ से प्राप्त होती है। जंगल बुक वो किताब है जिसको 1907 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था, फर्स्ट इंग्लिश पहला अंग्रेज कोई जिसको साहित्य का लिटरेचर का नोबेल मिला था, तो रुडयार्ड किपलिंग हुए थे। तो रुडयार्ड किपलिंग अपने जोधपुर में खूब दिन तक रह के गए, और जोधपुर में आप भी जाओ तो देखना वो पेंटिंग लगी हुई है। हम मोगली को अलग से जानते हैं पर हम सिया की कहानी नहीं जानते, हम अंग्रेजों के मोगली पर राजी हो जाते हैं पर हमारी सिया वाली कहानी जैसे आती है तो अपने कहते हैं यार फेंक दी होगी किसी ने, यूं ही कहानी होगी, भगवान जाने जो भी रहा हो पर है तो उसकी प्रेरणा तो उधर से मिलती है किपलिंग को। तो सिया जी अपने याद रखना भाई आपने। फिर आगे आगे वाला राजा पढ़ते देखो। इसके बाद एक राजा आगे दुहड़। अब जब यहाँ शासन स्थापित हो गया दुहड़ जी यहाँ पे रहते थे, कहते हैं दुहड़ जी एक बार अपने ननिहाल गए हुए थे और ननिहाल वालों ने किसी ने ताना मार दिया कि यार तुम राठौड़ों के तो कुलदेवी ही नहीं है, यहाँ पे कुलदेवी का मंदिर नहीं है। दुहड़ अपनी मम्मी के पास आया और मम्मी को पूछा भाई अपनी कुलदेवी कौन है, और मम्मी ने बताया कि तुम्हारी कुलदेवी तो साउथ इंडिया में, तुम्हारी कुलदेवी तो कर्नाटक में। कहते हैं दुहड़ यहाँ से कर्नाटक गया और अपनी कुलदेवी की मूर्ति लेकर आया था, कर्नाटक से कुलदेवी की मूर्ति लेकर आता है, और वो जो कुल देवी है जो क्लाइंट डेटी है उनका नाम है नागणची माता। नागणची माता की मूर्ति लेकर आए, वही पुरानी कहानियां वैसे के वैसे, कुल देवी है ये भाई क्लाइंट डेटी है और पूरी क्लाइंट गोडेज है की पुरानी कहानियां कि माता जी ने कहा कि मेरी मूर्ति लेके तू जहां तक चलेगा और पीछे मुड़ के नहीं देखेगा वहां तक मैं तेरे साथ जाऊंगी। कहते हैं एक जगह उसने पीछे मुड़ के देख लिया यार, वहां से फिर वो मूर्ति आगे नहीं चली, फिर मंदिर वहीं बनाना पड़ा, वहां मंदिर बनाया गया तो नागणची का मंदिर बनाया गया, इसलिए गांव का नाम है नागणा। बाड़मेर के अंदर नागणा नाम का गांव है, नागणची माता का मंदिर बनाया इसलिए गांव का नाम पड़ गया नागणा। अब देखो ये वाली जो चीज है कि वो मूर्ति कर्नाटक से लेके आया था, ये कहीं ना कहीं उस तरफ इशारा करती है, भले इतिहासकारों का ध्यान नहीं जा रहा होगा, इसका मतलब कहीं ना कहीं राठौड़ों का साउथ इंडिया से लेना देना है, वरना उनकी मूर्ति कर्नाटक क्यों जाएगी, उनकी मूर्ति का साउथ इंडिया में क्या लेना देना रहा होगा, पर कुछ रहा होगा तभी वो कुलदेवी की मूर्ति वहां थी, वो गया होगा। ये बाद वालों ने ये कहानी लिखी भी है, उन्होंने याद भी रखी है कहानी कि भाई पहले साउथ इंडिया में कहीं पे चिंता था चीता चीता करते होंगे और बाद वहां से चलते चलते कन्नौज की तरफ आए होंगे, कन्नौज से कोई आदमी इधर मारवाड़ की तरफ आ गया होगा, थोड़ा सा याद रखना भाई। तो इस राव धुवड़ के बारे में एक ही बात है कि अपने कुलदेवी की मूर्ति लेके आया था, कुलदेवी का नाम क्या था तो नागणची माता कुलदेवी का नाम था, और उनका यहाँ पे मंदिर वगैरह कहाँ बनवाया गया तो नागणा के अंदर बनवाया गया था, बाड़मेर के अंदर पड़ती। एक वैसे तो बात आगे आएगी फिर भी मैं थोड़ा सा बताऊं, इस धुवड़ के एक छोटे भाई थे धांदल भाई थे, और इन धांदल का बेटा हुआ था पाबू, पाबू जी राठौड़ जो राजस्थान के एक लोक देवता है, प्रसिद्ध लोक देवता आ गया। हम पढ़ेंगे पाबू जी के बारे में खूब सारी बातें तब मैं और बताऊंगा, पर वो भतीजे हैं एक तरीके से धुवड़ के भतीजे ही, तो यहाँ पे थोड़ा याद रखना इस बात को ताकि आगे जब मैं पढ़ाऊं तो आपके थोड़ा याद रह जाए वहां पे। तो ये भाई आपका ये आपके नागणची माता की जो मूर्ति है वो लेके जो आया होगा नागणा के अंदर है, तो माता जी को हाथ जोड़ लेना आप, ये नागणची माता है, धुवड़ इनकी मूर्ति लेके आया था। इसके बाद में आगे राजा जो भाई मल्लीनाथ जी, एक फिर मल्लीनाथ जी राजा है। मल्लीनाथ जी के टाइम में थोड़ा मारवाड़ का विस्तार हो गया, तो मल्लीनाथ जी ने कहा यार अब खेड़ से तो पार पड़ेगी नहीं, राजधानी दूसरी बनानी पड़ेगी। तो कहते मल्लीनाथ जी ने राजधानी दूसरी बनाई थी मेवानगर, बाड़मेर में एक और जगह पड़ती है मेवानगर, ये राजधानी बना देगी, मेवानगर को राज। तो पहले राजधानी खेड़ है और उसके बाद राजधानी क्या बना देगी मेवानगर। मल्लीनाथ जी खुद ही भाई लोक देवता, अपने फोक डेटी है, अपने फोक डेटी है, लोक देवता है मल्लीनाथ जी, और पश्चिमी राजस्थान में लोग इनको खूब सारे मानते हैं, इवन इतना कि बाड़मेर का क्षेत्र का तो नाम ही इनके नाम पे मालाणी है। तो कोई पूछे कि राजस्थान के कौन से इलाके को मालाणी एरिया कहा जाता है, तो अपना जो बाड़मेर एरिया है उसको मालाणी कहा जाता है, और मालाणी नाम क्यों पड़ा तो मल्लीनाथ जी की वजह से, और इसीलिए जो बाड़मेर वाली ट्रेन जाती है नाइट वाली अपने दिल्ली से जो ट्रेन आती है उसका नाम ही मालाणी एक्सप्रेस पड़ गया,
तो महारानी इनकी वजह से, भाई मल्लिनाथ जी की वजह से पढ़ा, तो ये थोड़ा सा दिमाग में रखना, ध्यान में रखना हमेशा ये बात। आप मल्लिनाथ जी, जब मैं लोक देवता पढ़ूंगा तो मल्लिनाथ जी की और खूब सारी बातें पढ़ेंगे हम, कि तिलवाड़ा में इनका मेला लगता है, इनकी जो रानी हुए थे रूपा देव वो भी एक लोक देवी हुए हैं, उगम सिंह भाटी इनके गुरु हुए थे, तमाम कहानियां वहां पर और करेंगे। यहाँ जब मैं केवल राजाओं की बात बता रहा हूँ तो मैं चाहता हूँ कि इसको पॉलिटिकल तक रखा जाए, तो ये बातें याद रहे अपने कि मल्लिनाथ जी की राजधानी मेवानगर थी, और मल्लिनाथ जी ने कारण बाड़मेर क्षेत्र को मालानी कहा जाता है, और मल्लिनाथ जी पश्चिमी राजस्थान के एक फोक डेटी है, इनको लोक देवता के रूप में पूजा जाता है। इतनी बातें थोड़ी सी याद रखना आपने। फिर मल्लिनाथ जी के बारे में एक दूसरी बात बताता हूँ। मल्लिनाथ जी का एक बेटा था जगमाल। जगमाल कहते बोलिए बदमाश था, लड़ाइयां करने में डेली मारपीट करता, कभी किसी न किसी को पीट किया जाता, और को नहीं मिलता तो घर में आके पीट लेता। कहते एक बार तो अपने अंकल को पीट लिया था, मल्लिनाथ जी के भाई थे बीरमदेव जी, एक दो बार तो वीरमदेव जी की पिटाई कर दी थी, इसलिए मल्लिनाथ जी तो खुद ही थोड़े नाराज से रहा करते थे। और मल्लिनाथ जी हमेशा उलाहना देते रहते कि यार क्या लड़ाइयाँ करता रहता है। ऐसे एक बार समय बीत रहा था, वहीं राजधानी के पास में बाड़मेर के अंदर कोई गांव पड़ता था सीणली, और एक दिन कोई वहां पे गांव की लड़कियां, गणगौर के आसपास का टाइम था, और गांव की लड़कियां कुएं पर पानी भरने के लिए गई भी थी। उधर से गुजरात के राजा की सेना गुजर रही थी, और गुजरात की राजा का जो सेनापति था वो उन लड़कियों को उठा के ले गया। थोड़ी देर तक लड़कियां जब पानी ले गई वापस नहीं आई, तो कहा कि भाई लड़कियां कहाँ गई, लड़कियां कहाँ गई, तो लड़कियों को तो गुजरात का पता लगाया, वहां पर तो सब गुजरात की सेना निकल रही थी, वो लड़कियों को उठा के ले गई। जनता की रक्षा कौन करे, राजा बेचारे भाग के गांव वाले राजा के पास आए, मल्लिनाथ जी के पास आए, राजा जी आपके राज में हमारी लड़कियों को ऐसे ऐसे गुजरात का जो सेनापति वो उठा के लेके चला गया, मुस्लिम सेनापति था, मुस्लिम राजा था, वो उठा के लेके चले गए हमारी, बचाओ। मल्लिनाथ जी ने कहा ठीक है भाई सेना तैयार करो, सेनापति को ऑर्डर दिया, सेना तैयार हो रही थी। इतने में जगमाल आया कहीं से, और डैडी किधर तैयार हो रहे हो आज? मल्लिनाथ जी ने कहा मंगते, तू तो घर पे रहता नहीं है, और तेरे को पता है अपने गांव की लड़कियों को ऐसे ऐसे गुजरात का मुसलमान सेनापति उठा के ले गया, हम वापस लेने के लिए जा रहे हैं। जगमाल को बात चुभी, जगमाल ने कहा तो आप मत जाओ, मैं लेके आऊंगा। क्या यार तू और कहीं बीच में लड़ाई करके वापस आ जाए? उसने कहा पक्का वचन है आपको, मैं लेके आऊंगा। तैयारी शुरू की जगमाल ने, का पता लगाया कहाँ गई, कहा सब अहमदाबाद के किले के अंदर लड़कियों को ले जाके रख दिया गया, कहा गया अहमदाबाद पर आक्रमण करते हैं, किसी ने कहा कर मत देना, राजा की राजकुमारी रहती है वहां पर, गुजरात का जो राजा था उसकी राजकुमारी का नाम था गिंदोली, गिंदोली नाम की राजकुमारी थी, कि गिंदोली रहती है वहां पे राजकुमारी गिंदोली, शहजादी गिंदोली रहती है, और चारों तरफ पहरा है वहां पे राजा, और राजकुमारी के महल पे कोई परिंदा ही पर नहीं मार सकता, और अपने वाले लड़कियों को राजकुमारी की दासियां बनाया हुआ है वहां पे, और अपने वाले लड़कियां वहां पे उसके काम धंधे करती है, आगे कोई उसके कपड़े धोती है, कोई झाड़ू पोछे करती है, कोई उसके मैगी बना के लाती है, वहां पे रहती है। तो राजकुमारी कभी बाहर भी निकलती होगी, अपने वाले लड़कियां बाहर आती होगी। एक शुक्रवार वाले दिन पीर बाबा की दरगाह है, और पीर बाबा की दरगाह पे जब राजकुमारी जाती है तो अपने वाले लड़कियों को दासियां बना के साथ में लेके जाते हैं, और जब वहां जाते हैं तो साथ में कोई भी सिक्योरिटी नहीं होती, सुरक्षा का कोई भी घेरा नहीं होता। जगमाल ने कहा ये ठीक है। कहते हैं जगमाल ने घोड़े के व्यापारियों का भेष बनाया। मालानी के घोड़े बहुत फेमस रहे भाई, आप याद ही रखना हमेशा, कोई पूछे राजस्थान में घोड़े कहाँ के फेमस रहे तो मालानी घोड़े बहुत फेमस रहे। यहाँ पे घोड़े के व्यापारियों का भेष बनाया, अच्छे अच्छे घोड़े लिए अपने साथ में, उन घोड़ों पे अच्छे अच्छे योद्धा लिए, सारे व्यापारी बने, और भाई शुक्रवार को राजकुमारी आनी थी, बृहस्पतिवार वाले दिन जाके बैठ गए अपने तो दरगाह के पास में। आने जाने वाला कोई पूछे कि कौन हो किधर से, घोड़े बेच रहे हैं, घोड़े के व्यापारी इधर उधर घूमते भी रहते थे, डाउट कौन करे। कोई भाव पूछे घोड़े का तो 3,000 वाले घोड़े का भाव अगला 30,000 बताए, अगला कहे यार इतना महंगा बिकेगा ही नहीं, ये मन ही मन सोचे बेचना है किसको। कहते हैं दूसरे दिन शुक्रवार को नियत समय पर राजकुमारी गिंदोली, शहजादी गिंदोली, अपने वाली जो राजस्थान वाली लड़कियां थी उनको साथ में लिए भी आई लड़कियां, कोई उसके थाली लेके चले, कोई चादर लेके चले, कोई पूजा का सामान लेके चले। जैसे ही वहां लड़कियां आई, ये यहाँ पे व्यापारी का भेष बनाए बैठे हुए थे, अब अपने देश के लोगों को तो कौन नहीं पहचाने, जैसे लड़कियों ने उनको देखा जगमाल के साथियों को, जगमाल के साथियों ने लड़कियों को देखा कि है तो अपने वाली, उन्होंने कहा जाओ फटाफट, सबको घोड़े पे बिठाया और वहां से निकल के आगे। कहते हैं जगमाल गिंदोली को बिठा लेता है, जगमाल गिंदोली को लेके आ जाता है वहां से, और जगमाल गिंदोली को वहां से अहमदाबाद से लेके मेवानगर तक जब तक आया तब तक गिंदोली को जगमाल से बेपनाह मोहब्बत हो गई, और कहते गिंदोली ने वापस जाने से मना कर दिया था। फिर गिंदोली यहीं जगमाल के पास में रही, तो उसके पिता ने कहा था भाई आ जा वापस, पर नहीं। पर जिस दिन गिंदोली को लेके आए थे उस दिन अपने गणगौर का त्यौहार था, तो आज भी अपने राजस्थान में गणगौर के समय गिंदोली के गीत गाए जाते हैं, गिंदोली याद की जाती है, अपनी मम्मियाँ गिंदोली के गीत गाती है। आप पूछ लेना
तो देखो कल्चर की बात कि हम गीतों में गिंदोली गाते हैं पर हम जानते नहीं वो कौन थी, कि गिंदोली वलती धरान गुड़ला ऊपर गाल, मांडल सी लयो मर्द माला रो जगमाल, कि मल्लीनाथ का जगमाल गिंदोली को वहां से उठा के लेके आ गया था। तो अब से याद रखना कि गिंदोली के गीत कब गाए जाते हैं, तो गणगौर पे, गिंदोली कौन थी तो ऐसे ऐसे गुजरात की आजादी थी, अपने जगमाल लेके आ गया था, जगमाल कौन था तो मल्लीनाथ जी का बेटा था, उसको गणगौर वाले दिन लाए थे, इसलिए उसके गीत कब गाए जाते हैं, गणगौर पे गाए जाते हैं। चलो आगे पढ़ते हैं आगे। इसके बाद चुंडा, देखो इस चुंडा के बारे में मेरी एक आधी बात तो आपको बताई, पर पहले उसके अलावा हम दूसरी बातें बताता हूँ। मल्लीनाथ जी ने अपने बाद में जगमाल को राजा नहीं बनाया था, मल्लीनाथ जी ने अपने भाई को राजा बना दिया था। तो मल्लीनाथ जी के बाद में उनके भाई बने थे राजा वीरमदेव जी, और वीरमदेव जी का बेटा था ये चुंडा। राज्य का थोड़ा और विस्तार हुआ, चुंडा थोड़ा शक्तिशाली हो रहा था। इधर जोधपुर में एक जगह पड़ती है अपने मंडोर, प्रतिहारों का शासन मंडोर पे, और प्रतिहारों की जिस ब्रांच का शासन था वो ब्रांच थी इंदा, इंदा ब्रांच का शासन था यहाँ पे, इंदा राज कर रहे थे लगातार। एक तो इन प्रतिहारों में आपस में भी कहीं ना कहीं कोई डिस्प्यूट चल रहा था, फिर लगातार दिल्ली से मुस्लिमों के अटैक हो रहे थे, ये उनको झेल नहीं पा रहे थे, और इन लोगों ने जो इंदा प्रतिहार थे इन्होंने अपनी राजकुमारी की शादी चुंडा के साथ कर दी, अपनी जो प्रिंसेस थी उसकी शादी चुंडा के साथ करते हैं। और जब चुंडा के साथ शादी करते हैं तो मंडोर दहेज के अंदर देते हैं कि साहब ये मंडोर ले लो। तो जब दहेज में चुंडा को मंडोर मिल गया, उसके बाद उसने मंडोर को अपनी क्या बना ली, कैपिटल बना ली। तो कोई पूछे कि भाई चुंडा के समय राजधानी कहाँ आ गई थी, चुंडा के समय राजधानी मंडोर आ गई थी। तो देख लो पहले खेड़ 1240 के आसपास राव सिहा जी आए थे, तो अब राजधानी खेड़ थी, फिर मल्लीनाथ जी के टाइम में राजधानी कहाँ चली गई, मेवानगर, और फिर चुंडा जी के टाइम में राजधानी कहां पर आ गई, मंडोर। राजधानी ये कैसे मिली, तो इंदा प्रतिहारों ने अपनी राजकुमारी की शादी की थी और डोवरी दहेज के अंदर इसको दिया गया था। दोहा है राजस्थानी का बहुत अच्छा सा, इंदारो उपकार कम धज कदे ना बिसरे, के इंदों का जो उपकार है वो कम धज, मतलब राठौड़, राठौड़ों की उपाधि भाई ये, याद ही रखना, आज मैं 2 बार बोल दी। इंदारो उपकार कम धज कदे ना बिसरे, चुंडो चौरी चाड़ मंडोर दिनी दाइजे, चुंडे को चौरी पे चढ़ा के उन्होंने मंडोर को दहेज में और दे दिया था। तो उसके बाद इनकी राजधानी कौन सी हो गई थी, मंडोर। हालांकि अपने तो कहानियां क्यों दंतियां, तो ये भी है कि रावण का ससुराल भी मंडोर था और मंडोर की राजकुमारी थी मंदोदरी, मंदोर से मंदोदरी पड़ गया कि नाम, तो मंदोदरी यहाँ की राजकुमारी थी, तो लोग मानते भी हैं, बात तो पता नहीं कितनी सच्ची कितनी झूठी, पर ऐसा कहा जाता है कि रावण का ससुराल भी मंडोर रहा था। पर अपने तो चुंडा वाला याद रखना भाई, कि चुंडा का ससुराल अपने मंडोर रहा था। फिर एक बात मेरी बताई हुई आपको कि चुंडा जो थे, चुंडा की बेटी थी हंसाबाई, और मेरा आपको बताया हुआ है कि हंसाबाई की जो शादी थी वो बाद में आपके मेवाड़ में राणा लाखा के साथ हुई थी, और जो रणमल था हंसाबाई का भाई वो वहां पे उनके साथ में गया था, बाद में रणमल वहां पे आपके पहले तो मोकल का और कुंभा का संरक्षक बना था, फिर रणमल को वहां पे भारमली की सहायता से मार दिया गया था, ऐसी कई बातें मैंने बताई थी। तो ये चुंडा की जो बेटी हंसाबाई है वो यही है भाई, याद रख लेना एक ये बात। फिर इसके बाद में आगे पढ़ लेते हैं, और फिर आगे एक रहता भाई जोधा, जोधा जी के बारे में मेरी कई बातें आपको बताई हुई है। जोधा जी के बारे में एक बात ये बताई हुई है कि जब रणमल को वहां पर मार दिया गया था तो जोधा वहां से भाग गया था, जोधा रणमल का बेटा था। मैंने बताया था आपको कि बीकानेर के पास में एक गांव पड़ता है काहुनी, और वहां काहुनी गांव के अंदर जाके और जोधा ने वहां पर जाके शरण ली थी, ये बताया था मैंने। फिर मैंने इसके बारे में और बातें बताई थी कि 1453 में, और ये कुंभा के साथ में संधि करता है आंवड़ बांवड़ की संधि, और उस आंवड़ बांवड़ वाली संधि द्वारा इसको वापस मंडोर मिलता है। वापस मंडोर मिल गया था, और अपनी बेटी श्रृंगार कंवर की शादी रायमल के साथ कर दी थी। इतनी बातें तो मेरी बताई भी आपको, रणमल का बेटा था, रणमल को वहां पर ऐसे ऐसे मार दिया गया था, वो सब बातें मैंने बताई थी। रणमल किस प्रकार कान्हा मरजा, पहले कान्हा राजा बनता है, उसका भाई कान्हा मर जाता है, सत्ता बनता है, सत्ता को हरा के किस प्रकार रणमल राजा बना था, वो बातें भी हमने मेवाड़ वाले में पढ़ ली थी। अब जोधा के बारे में, जब 1453 में उसको मंडोर मिल गया, उसके बाद जोधा को लगा कि यार यहाँ मंडोर वाली जगह पार नहीं पड़ेगी, राजधानी थोड़ी बड़ी जगह होनी चाहिए, कोई सुरक्षित जगह पे होनी चाहिए। फिर जोधा ने नया शहर बसाया था, पूरा 1459 में शहर बसाया गया जोधपुर,
जोधपुर शहर बसाया गया था, याद रखना, 1559 उदयपुर, 1459 जोधपुर, ठीक 100 साल का फर्क। जोधा ने जोधपुर बसाया 1459 में, उदय सिंह ने उदयपुर बसाया 1559 के अंदर। तो जोधपुर उदयपुर वाला ये थोड़ा ध्यान रख लेना। फिर क्या यहाँ पे किला बनाया जाना चाहिए, तो किला बनाया था मेहरानगढ़। कहते हैं वास्तव में तो मिहिरानगढ़ है, मिहिरानगढ़ है, मिहिर का मतलब होता है सूर्य, और जो राठौड़ थे वो सूर्यवंशी राजा थे, इसलिए किले का नाम उन्होंने मिहिर पे रख दिया, मिहिरानगढ़ रख दिया था उन्होंने, सूर्यवंशी राठौड़ों का गढ़ था ये। पर वो मिहिर अपने से बोला नहीं गया था, अपन ने धीरे धीरे इसका नाम क्या बना दिया, मेहरानगढ़। और कहां बनाया गया था, जोधपुर के अंदर। और सुनना बात, जो जोधा थे, जोधा के पिताजी कौन थे, रणमल। रणमल की धर्म बहन बनाई हुई थी राजस्थान की एक चमत्कारी देवी हुई करणी माता। तो ये करणी माता जो थे, ये रणमल की धर्म बहन बनाए हुए थे। तो जोधा के क्या लग गए, बुआ लग गई। अपने राजस्थान में अभी तक रिवाज कि जब भी कोई नया मकान बनाते हैं तो घर की बहन बेटी को बुलाते हैं, उससे मुहूर्त वगैरह में हिस्सा दिलवाते हैं, कई बार उससे ईंट का जो पहले नींव है वो रखवाई जाती है, फाउंडेशन उससे रखवाई जाती है। तो जोधा की बुआ करणी माता चमत्कारी महिला अपने आप में उस समय परिचय दे रही थी, चमत्कार दिखा रही थी। तो उन्होंने कहा, भाई बुआ जी आप आओ और मेहरानगढ़ की नींव लगा के जाओ। तो याद रखना, मेहरानगढ़ किले की नींव किसी ने लगाई थी तो करणी माता ने लगाई थी। इसका जो फाउंडेशन स्टोन किसी ने रखा था तो किसके द्वारा रखा गया था, करणी माता के द्वारा इसका नींव का पत्थर लगाया गया था। ये बात भी थोड़ी सी याद रखना भाई। मेहरानगढ़ का किला दिखाऊं मैं आपको, ये भाई आपके मेहरानगढ़ का किला, बहुत सुंदर सा पहाड़ी के ऊपर बना हुआ किला आपने मेहरानगढ़। मेहरानगढ़ जोधपुर बताई दिया मैंने, मेहरान कर दो या मिहिरान कर दो, आगे और पढ़ेंगे, जब किला पढ़ेंगे तब और पढ़ेंगे कि ये कि जो किला बना हुआ है ये कैसा है, इसके अंदर क्या है क्या नहीं है, मोर की आकृति में बना हुआ किला है, तो मयूर ध्वजगढ़ भी कहते हैं इसको। सूर्यवंशी राठौड़ों का था तो मिहिरानगढ़, मोर की आकृति में बना हुआ था तो मयूर ध्वजगढ़, ये आपके जो किला बना हुआ है। और बातें हम बाद में जब किला पढ़ेंगे तब उस टाइम ये बातें कर ले। फिर एक बात और याद रखनी, जोधा का एक बेटा था बिक्का, और पहले कहा करते थे कि योग्य पुत्र वह नहीं है जो राजा के बाद में राजा बन जाए, योग्य पुत्र वह है जो अपने बाहुबल से नया राज्य स्थापित करे। और कहते बिक्का यहां से चला गया था और उसने अपने बाहुबल से 1465 के आसपास में एक नया राज्य स्थापित किया था, बीकानेर स्थापित किया, इसलिए उस नए राज्य का नाम है बीकानेर। तो ये याद रखना, जब हम बीकानेर की हिस्ट्री पढ़ेंगे तो वापस काम आएगी कि बीकानेर वाला जो बिक्का है वो कहां से गया था, तो जोधपुर से गया था, वो जोधा का बेटा था, और कब गया था तो 1465 के आसपास में चला गया था यहां से, मतलब जब आपका जोधपुर बस गया उसके भी 6 साल बाद में वो यहां से गया था। और करणी माता चूंकि जोधा की बुआ लगती थी इसलिए बाद बीकान, ये तो अपने आप ही मानेंगे, तो इसलिए बाद में बीकान जब गए करणी माता के पास, वहां करणी माता वहां बीकानेर की थी, तो उन्होंने बाद में करणी माता को खूब ही ज्यादा मानना शुरू कर दिया था, इसलिए जो करणी माता है वो बाद में राठौड़ों की इष्ट देवी के रूप में सामने आई थी। मैंने एक दिन बताया था कि दो प्रकार की देवी है, एक तो आपकी क्लैन डेटी होती है जो किसी वंश की एक ही होती है, उस वंश के लोग जहां कहीं अलग जाके रहने लग जाए वहां किसी लोकल देवी को मानने लग जाए उसको वहां पर टुटेलरी डेटी या इष्ट देवी कहा जाता है उसको, और वो बाद में करणी माता हो गई। तो राठौड़ों की कुल देवी है वो तो नागणेची माता हो गई, राठौड़ों की इष्ट देवी है कोई तो वो कौन सी हो गई थी, करणी माता हो गई थी। आगे कल से हम बड़े राजाओं के बारे में, मालदेव के बारे में, चंद्रसेन के बारे में पढ़ेंगे। आज इतना ही, थैंक यू।